दोस्तों हम आज ये हाइमास लाइट को रिपेयरिंग करने वाले हैं। ये 2 महीना से इसे ख़राब पड़ा हुआ है, तो देखते हैं इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसका सेफ्टी के बारे में जानते हैं दोस्तों। के अंदर में ये एक चेंज ओवर दिया हुआ है जो ऑन है अभी, इसको बीच में कर देते हैं तो ऑफ हो जाएगा। और ये 2 MCB है, दोनों को डाउन कर देते हैं, इसका मतलब आउटपुट बंद हो जाएगा। और ये जो काला वाला वायर आपको दिख रहा है, ये वाला है आपका इनपुट, न्यूट्रल इनपुट, और ये फेस इनपुट है, तो दोनों ही कट हो जाएगा। ये ऊपर लाइट के लिए गया हुआ है पीला वाला तार, ये आपका न्यूट्रल के लिए गया हुआ है, और ये लाल फेस जैसे इसको ऑन करेंगे MCB के थ्रू, चेंज ओवर के थ्रू यहाँ से आएगा और ऊपर जाएगा। तो इसको बंद करके फिर ऊपर हम सॉकेट खोलते हैं, सॉकेट खोल के उसको उठाते हैं। पहले से ही डायरेक्ट किया हुआ टाइमर सेट था, पहले से ही डायरेक्ट किया हुआ है। अब इसको ऊपर से खोलते हैं और देखते हैं। इसमें ये मोटर दिया हुआ है बिजली से इसको उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो इसका चेन पहले से टूटा हुआ है, मोटर का कनेक्शन भी नहीं किया हुआ है। और वो जो नीचे हम MCB डाउन किए हैं, ये सॉकेट के थ्रू ऊपर लाइट का कनेक्शन किया हुआ है। तो इसको उतारने के लिए 3 एंगल दिया हुआ है, और ये आपका हैंडल दिया हुआ है। इसको निकालते हैं फिर लगा के उतारते हैं ये हैंडल। तो इस तार को खोलते हैं, पहले खोल के इसमें रस्सी उस्सी कुछ बांधते हैं, नहीं तो ये तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर उतारने का टाइम नीचे नहीं ला पाएंगे। रस्सी बांध के फिर इसको ऊपर चढ़ाते हैं, फिर लाइट को रिपेयर करते हैं। ठीक है, सारे लाइट को खोल के हम अपने वर्कशॉप में ले जाते हैं और देखते हैं लाइट्स में क्या चीज़ की कमी है कि जिसके चलते जल नहीं रहा है। सबसे पहले LED प्लेट को खोल के निकालते हैं और इसको चेक करके देखते हैं LED ड्राइवर से कि LED प्लेट्स में ही प्रॉब्लम है। LED ड्राइवर से इसको वोल्टेज देने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एक कोई LED नहीं जल रहा है। इसका मतलब LED प्लेट्स में ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर LED प्लेट्स में ही प्रॉब्लम होता है, ताकि ज़्यादा हीट हो जाने पर LED फ्यूज होकर कट जाता है। हमने एक एक LED को चेक किए, एक एक लाइन में फेरली 6 LED लगा हुआ है। और देखिए LED ड्राइवर में 6 वोल्ट दिख रहा है आपको, हर LED 6 वोल्ट का है। तो मेरे पास तो इतना इस टाइप का बोर्ड है नहीं, तो LED को ही चेंज करते हैं। जितना LED ख़राब है उतना सारे LED को चेंज कर देते हैं तो बन जाएगा, नहीं तो सबसे बढ़िया इसका बोर्ड पूरा चेंज करने से ठीक रहता। तो अभी फिलहाल बोर्ड तो है नहीं इसका, तो चलिए इसके LED सब चेंज करके फिर चेक करके देखते हैं। चलिए LED चेंज करने के बाद अब देखिए पूरा LED ग्लो कर रहा है, और ड्राइवर बोर्ड पर 78 वोल्ट के आसपास दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों हमने LED जब चेंज किए तो उसका वीडियो नहीं बना पाए, और देखिए सब LED को फिट कर दिए हैं। इसी टाइप से सारे लाइट्स के हमने LED चेंज किए, और फिर ले जाकर दोबारा इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद चालू करके आपको दिखाते हैं कि लाइट कैसा है। टाइट करें दो, कई बार टाइट करो, दोस्तों हमारे दाहिने साइड में जो टोपी वाला आदमी दिख रहा है आपको, ये वार्ड मेंबर है। इनके कहने पर ही हमने ये हाई मास्ट लाइट को खोले हैं बनाने के लिए। सारे लाइट्स का कनेक्शन कर देते हैं, फिर रात को जला के देखते हैं कितना रोशनी हो रहा है इसमें। तो दोस्तों देखिए मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है, लाइट एकदम पूरा बढ़िया से जल रहा है। ये बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, आप अगर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए खोलेंगे तो आप खुद भी बना सकते हैं इसका प्लेट चेंज करके। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगला वीडियो में।